सबसे पहले तमाम दोस्तों को ईद उल फितर की खुशियां मुबारक हों। तारिक अहमद साहब एक बड़े दानिश्वर गुजरे हैं, उनकी एक तहरीर मेरी नज़र से गुजरी कल। उन्होंने लिखा था कि कोई 600 साल पहले मुसलमानों को एक प्लानिंग के तहत ये चीज़ जहन में डाली गई कि आखरत ही सब कुछ है, आखरत का ही ख्याल रखना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ आखरत ही सब कुछ नहीं है, हमें दुनियावी लिहाज से ख़ुद को मजबूत करना होगा। अगर हम दुनियावी लिहाज से ख़ुद को मजबूत कर लेते हैं तो हमारी राय की अहमियत होगी, बात उसकी सुनी जाती है जिसकी जेब में कुछ हो। अब इंटरनेशनल लेवल पे देख लें, जितनी बड़ी कंपनीज हैं, जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, वो सब गैर मुस्लिम ही होंगे। अगर आज हमारे पास, मुसलमानों के पास मुआशी लिहाज से ताकत होती तो आज हमारी राय की अहमियत होती। तो इस बात का मकसद ये है, मकसद ये है कि हमें सबको, अपने आप को, ख़ुद को, अपने दोस्तों को, दूसरों को, सबको मुआशी लिहाज से मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर बात करें मुआशी लिहाज से ख़ुद को मजबूत करने की, तो सबसे पहले बिज़नेस में मार्केटिंग आती है। जिस बिज़नेस की मार्केटिंग अच्छी है वो बिज़नेस अच्छा है। आज कोका कोला, आज पेप्सी, आज नेस्ले अगर है तो मार्केटिंग की वजह से है। दूसरी बात क्वालिटी की आती है, मार्केटिंग है तो साथ क्वालिटी भी है। जब आप मार्केट करते हो, आपके पास कस्टमर चल के आता है, तो जब वो आए तो उसे कुछ नज़र आना चाहिए, उसको क्वालिटी नज़र आनी चाहिए, ताकि वो दोबारा भी आए और उसकी वजह से दूसरा कस्टमर भी आए। तो आप कोई भी कारोबार करते हैं, आप कोई कारोबार नहीं भी करते हैं, आप मशवरा भी दे सकते हैं ना, तो आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जब आप आते हैं तो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब है। आप कोई भी कारोबार कर रहे हैं, आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, आप कोई भी हुनर रखते हैं, आप कोई भी मशवरा दे सकते हैं, तो उसकी मार्केटिंग करें। उसके लिए वीडियो बनाएं, फेसबुक पे डालें, यूट्यूब पे डालें, इंस्टा पे डालें, और अपने कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, अपने क्लाइंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। मार्केटिंग आपकी बेस है, तो ज़रूर 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 मार्केटिंग करें। उसमें थोड़ी सी हिचकिचाहट होगी स्टार्ट में, परेशानी होगी कि लोग क्या कहेंगे, तो लोग यही कहेंगे कि ये बंदा काम अच्छा कर रहा है। 100 में से 90 लोग कहेंगे कि ये बंदा काम अच्छा कर रहा है, 10 लोग कहेंगे ये सही नहीं कर रहा या खामियां निकाल रहे। तो आप मार्केटिंग ज़रूर करें, मार्केटिंग आपके बिजनेस की, आपकी बेस है। ये मेरा आज का पैगाम था, उम्मीद है आपको मेरी बात पसंद आई होगी। अगर बात पसंद आए या ना भी पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपके फीडबैक का मैं मिलती रहूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।